नैना जोड़ी बहुत स्पेशल है, स्पेसिफिकली मेरे लिए बिकॉज मैं सिंगर हूँ, और इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज पहली बार मैं और करण इसमें हैं, और यू नो चार्ली इज़ लुकिंग फैंटेबुलस, एंड स्पेसिफिकली मेरी मतलब मैं जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, रिचा दीदी, उनका है गाना, सो आई कांट से एनीथिंग मोर बिकॉज मेरे लिए डबल बोनस है, मेरा पति भी उसमें है और मेरा हार्ट भी उसमें है. नैना जोड़ी हम लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज जैसे टियाने का ऋचा जी का सॉन्ग है, जो कि उनके सॉन्ग में फीचर होना बहुत बड़ी बात है, और इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है कि उस गाने में उसके जो बोल हैं वो दिल को छू जाने वाले हैं. और जब हमें पता लगा कि इस गाने से मींस एक दिन पहले ही मुझे कॉल आया कि ओके करण ऐसा ऐसा है और ऋचा जी वॉन्ट यू टू बी इन दिस सॉन्ग, आई वाज लाइक शॉक्ड. मैंने दो तीन बार ही कन्फर्म किया, मैंने कहा ओके इज इट मतलब पक्का 100% मजाक तो नहीं कर रहे हो, एंड देन दे सर नहीं करण मजाक नहीं है. तो आई वॉज शूटिंग एंड देन लेट नाइट मैं 2 बजे करीब पहुँचा और रात में ही चीज़ें लॉक हुई और अगले दिन हम शूट पे थे. बड़ी चीज़ ये थी कि हम दोनों पहली बार स्क्रीन में एक बारी साथ मीन्स साथ में आ रहे हैं. वी बोथ वर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम एंड एवरीवन बिकॉज हम लोगों ने बहुत हार्डवर्क पुटअप किया है. हम लोगों ने तो बहुत कम, बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पुटअप किया है. एम्पलीफाई टाइम्स जिन्होंने इस गाने को इतना जान डाली है, सार जिन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है, चार्ली ऑफ कोर्स, एंड एवरीबडी यू नो दे हैव गिवन द 100%. सो गाइज प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ यू नो बी विद दिस सॉन्ग, एंड वी वॉन्ट इन दिस सॉन्ग टू बी द नंबर वन ऑफ द चार्ट. यस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू. हाँ जी, और कुछ? मेरी कास्टिंग तो बड़ी अजीब थी क्योंकि चार्ली एंड करण दे वर लॉक्ड ऑलरेडी, फिर लास्ट मोमेंट पे उनकी कोई एक मॉडल थी वो नहीं आ पाई किसी वजह से, तो सब लोग भैया का मुझे फ़ोन आया, भाई करण के साथ तुम आने वाली हो. ओके, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि अच्छा मुझे कैमियो यू नो बिकॉज मेरा 10 सेकंड का ही काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने मुझे लगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देन ऑब्वियसली ऋचा दीदी हैं तो आई वाज लाइक लेट मी जस्ट डू इट. मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट है यू नो कि एक लेजेंडरी के साथ गाना भी हो गया, स्क्रीन शेयर भी हो गया, और साथ में मेरा पति भी है. थोड़ा चलेगा पर हिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हिल जाएगा. हम लोग ऐसे आ रहे हैं अभिषेक
two monsters together. बाद में होगा अभी के लिए तो आ जाएगा मित्रों आज मैं नहीं सॉरी पहले तो मैं ऋचा जी के बारे में बात करना चाहूँगा. ऋचा जी हमारी बहुत बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत देश की बहुत बेहतरीन सिंगर्स में से हैं और उनकी आवाज़ सुनने को जो हमें मिलता है ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है. पूरे देश ने उनकी आवाज़ को चाहा है और वो मतलब अपनी आवाज़ को एक इंडिपेंडेंट तौर पे रिलीज़ कर रही हैं एज अ सॉन्ग. ये बहुत बहुत खुशी की बात है. नैन ना जोड़ी बहुत खूबसूरत गाना है, वीडियो भी बेहद खूबसूरत बनाया, मतलब हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है. और बस यही चाहूँगा कि आप सब ये गाना सुनें, ये वीडियो देखें और जितना हो सके आप इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक है, अच्छा काम है, लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है. थैंक यू. ओके थैंक यू. रिचा मैम जब भी इशारा करेंगी हम उनके साथ में गाना करेंगे. मैम वो मैम उनके उनके वर्ड्स हमने पिछले एक दो साल पहले ही रूल बनाया था कि एक दूसरे को मैम और सर और जी करके नहीं बुलाएंगे, ऋचा और विशाल बुलाएंगे. बट उनके फ़न के लिए जो रिस्पेक्ट हमारे दिल में है उनके उसके हिसाब से मैम तो बनता ही है. बट शी इज़ रियली कूल और बहुत अच्छी दोस्त है हमारी और कभी कभी ऐसे ही मिलते हैं गप्पे मारने के लिए, तो गाने तो होते रहेंगे, बिल्कुल बेशक होते रहेंगे. थैंक यू.